तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा ही होगा, आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे सेरज डॉट आयो यूआरएल शॉर्टनेस साइट के बारे में। जी हाँ गाइज, सेरज ने अपना सीपीएम कम क्यों किया है गाइज। पहले इसके अंदर 500 रुपये का सीपीएम था, अभी इसके अंदर 200 रुपये का सीपीएम बता रहा है गाइज। आखिरकार सेरज ने सीपीएम कम क्यों किया, आज की इस वीडियो के अंदर इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और कब इसका सीपीएम वापस इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होने तक आप किस यूआरएल शॉर्टनेस साइट पर काम करेंगे, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे गाइस। तो गाइस सबसे पहले तो बात करते हैं सेरज ने अपना सीपीएम कम क्यों किया है। तो गाइस सेरज ने अपना सीपीएम इसलिए कम किया है क्योंकि इनकी जो मेन अर्निंग थी वो गूगल एडसेंस के थ्रू होती थी। अब क्या हुआ गाइस, इनका जो गूगल एडसेंस अकाउंट है वो बैन हो गया, मतलब गूगल एडसेंस अकाउंट इनका बंद हो चुका है, डोमेन बैन हो चुका है। इस वजह से इनकी अर्निंग बिल्कुल ही कम हो गई है, मतलब गूगल एडसेंस के थ्रू जितनी भी अर्निंग थी वो सारी अर्निंग इनकी बंद हो चुकी है। इस वजह से इन्होंने अपना सीपीएम कम किया है गाइस। और अभी ये क्या करेंगे, जल्दी इनका नया डोमेन बना लेंगे, और गूगल एडसेंस का जो भी अकाउंट है, जो भी डोमेन है वो नया बना लेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, अब ये कह नहीं सकते कब इंक्रीज होगा, लेकिन वापस इंक्रीज हो जाएगा जब भी इनका डोमेन बना लेंगे, या फिर जो भी साइट है वो वापस रेगुलरली काम करना स्टार्ट कर देगी, तब इनका जो सीपीएम वो इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। जैसे ही इंक्रीज़ होगा तो मैं अपडेट दे दूंगा इसी यूट्यूब चैनल पर गाइस। तो गाइस अब बात करते हैं कि इनका जो सीपीएम है 200 रुपये है, तो इस पर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 200 रुपये का सीपीएम आपके इसके अंदर देखने को मिलेगा, मतलब 1000 क्लिक्स पर 200 रुपये की अर्निंग हो जाएगी। अगर आप चाहते हो नहीं इसके अंदर सीपीएम इंक्रीज़ नहीं हो जाता, तब तक मैं दूसरी यूआरएल शॉर्टनर साइट का यूज़ करना चाहता हूँ, तो उस यूआरएल शॉर्टनर पर भी आप कर सकते हो। तो गाइस अगर आपको नहीं पता कि हम कौन सी यूआरएल शॉर्टनर साइट का यूज़ करें, ट्रस्टेड है अभी है या नहीं है, तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एकदम ट्रस्टेड यूआरएल शॉर्टनर साइट लेकर आया हूँ। आप तब तक उसके अंदर काम कर सकते हो जब तक इनके अंदर सीपीएम इंक्रीज नहीं हो जाता। तो गाइस उस यूआरएल शॉर्टनर साइट का नाम है गाइस linkpage.in। जी हाँ गाइस, linkpage.in ये भी एक अच्छी खासी यूआरएल शॉर्टनर साइट है गाइस। इसके अंदर मैं वर्क करता हूँ, और अभी आप देख सकते हो अवेलेबल बैलेंस के अंदर $2.4 की अर्निंग्स हो रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे पेमेंट वाला सेक्शन पर मैं क्लिक करूँगा, सीपीएम में आपको बताऊंगा। सबसे पहले पेमेंट प्रूफ बता देता हूं, पेमेंट प्रूफ के बाद भी आप विश्वास करते हो पेमेंट प्रूफ देखने के बाद ही। तो गाइज यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस आप देख सकते हो, पेंडिंग कुछ नहीं है, टोटल विड्रो मैंने यहाँ पे $24 का ले रखा है गाइज। और पेमेंट इसके अंदर डेली डेली हो जाता है, कभी कभार टेक्निकल इशू की वजह से 2 या 3 दिन लग जाते हैं, लेकिन 24 आवर्स के अंदर अंदर आपका पेमेंट आपके अकाउंट में भेज दिया जाता है। पेमेंट आप गूगल पे, फोनपे, पेटीएम, UPI ID या फिर बैंक ट्रांसफर कर सकते हो। मिनिमम अर्निंग, मिनिमम पे आउट इसके अंदर $5 का है, $5 की अर्निंग होते ही आप इसके अंदर अपना जो पेमेंट है वो विड्रॉ लगा सकते हो गाइज। अब गाइज बात इसके अंदर जो सीपीएम है, सीपीएम रेट है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइज सीपीएम रेट इसके अंदर आपको $5 का सीपीएम रेट देखने को मिल जाएगा, मतलब इंडियन करेंसी में अगर $5 को कन्वर्ट करें तो 375 रुपये के समथिंग होता है गाइज। अब गाइज वीडियो का एंड करते करते आपको मैं एक ऐसा यूआरएल शॉर्टनर साइट भी बताता हूँ जो कि इंडिया का यूआरएल शॉर्टनर साइट है। इसके अंदर जो भी अर्निंग होगी वो सब कुछ रुपये में शो होगी। आप जैसे ही इसके अंदर साइन अप करोगे तो आपको 25 रुपये की अर्निंग मिल जाएगी गाइज। जी हाँ गाइज, 25 रुपये मिल जाएंगे साइन अप करने का बोनस गाइज। अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो तो दोनों का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे, रजिस्टर लिंक, उन पर क्लिक करके आप रजिस्टर कर लीजिएगा गाइज। सबसे पहले इसकी जो सीपीएम है वो चेक कर लीजिएगा गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हो $400 का सीपीएम इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा यूआरएल एस पे के अंदर। जी हाँ गाइज, यूआरएल एस पे डॉट इन के अंदर आपको $400 का सीपीएम रेट देखने को मिल जाएगा, मतलब 1000 क्लिक्स पर आपको $400 की अर्निंग हो जाएगी। इसके अंदर जो भी अर्निंग होगी वो सब कुछ आपको इंडियन करेंसी में शो हो जाएगी गाइज। और हाँ गाइज, सबसे मेन बात के बारे में बात कर लेते हैं गाइज। मेन बात क्या है, जो आपका जो मेन कंटेंट है वो ओपन होने की प्रोसेसिंग किस में कितनी है, कितना सेकंड्स लेता है, और किस में ईजी से ओपन हो जाता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं linkpage.in के अंदर। तो linkpage के अंदर आपको 3 से 4 पेज देखने को मिलेंगे, कभी कभार इसके अंदर कुछ गलत एड्स भी आ जाते हैं, मतलब अलग अलग पेज ओपन हो जाते हैं। इस वजह से linkpage के अंदर अपने आपके जो व्यूज़ है वो थोड़े कम काउंट होते हैं, लेकिन अच्छा खासा यूआरएल शॉर्टनर साइट है linkpage भी, उसके अंदर भी आप वर्क कर सकते हो। बाकी डेमो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कि आपको डेमो लिंक पर क्लिक करके चेक कर लीजिएगा कि अगर आपको लगता है कि जो मेन कंटेंट है वो ईजी से ओपन हो जाता है तो आपको linkpage के अंदर रजिस्टर कर लेना होगा। urlspec.in का भी डेमो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके अंदर जो मेन कंटेंट ओपन होने की प्रोसेसिंग है वो 3 पेज की गई। फ्रेश कंटेंट है, जैसे serez.io के अंदर होता है इजीली से फ्रेश पेज है, आपको कोई पॉपअप एड्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे, इजी से आपका मेन कंटेंट ओपन हो जाएगा यूआरएस पे के अंदर गाइस। अगर आप इसके अंदर भी रजिस्टर करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है गाइस, उस लिंक पर क्लिक करके रजिस्टर कर लीजिएगा। पेमेंट की बात करें तो इसके अंदर आप बैंक ट्रांसफर, UPI ID, फोनपे, गूगल पे, पेटीएम के थ्रू पेमेंट ले सकते हो। 300-350 रुपये की अर्निंग होती है, आप इसके अंदर विड्रॉ लगा पाएंगे, मतलब वही $4 या $5 की अर्निंग होती है, आप विड्रॉ लगा पाएंगे गाइज। पेमेंट इसके अंदर आपको डेली डेली देखने को मिल जाएगा गाइज। दोनों ट्रस्टेड यूआरएल शॉर्टनर साइट है, दोनों के अंदर अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। बाकी अदरवाइज जब भी
सेरेस के अंदर आपका जो CPM है वो बढ़ेगा, $500 हो जाएगा, तब मैं वीडियो बना दूंगा, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा इसी यूट्यूब चैनल पर। इसलिए इस यूट्यूब चैनल को आप ज्वाइन करके रखें, फॉलो करके रखें, जो भी आपको करना है सब्सक्राइब करना है, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना है। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।